आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। आपको शीता फरीदाबाद से दिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी ने बिजली की अन्य समस्याओं को लेकर की चर्चा। इंडिया आज तक टीवी लाइव के लिए फरीदाबाद से दिलीप कुमार की खास रिपोर्ट। है और वहाँ 200 यूनिट माप भी है, और हरियाणा में ऐसा क्या चीज है कि बिजली का जो समस्या है लगातार होना। सबसे पहले मैं अपने पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो आज आप हमारी बात को जन जन तक पहुँचाने के लिए आपने समय निकाला। जैसा कि भाजपा सरकार, पहले कांग्रेस सरकार थी और अब भाजपा सरकार है, हमेशा भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर भ्रष्टाचार में संलिप्त रही है। ये वो सरकारें हैं जो जनता के टैक्स का पैसा ये नेता खुद खाते हैं, इनके अधिकारी खाते हैं, और जनहित में कोई भी योजना ये पहुंचाना नहीं चाहते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की सत्ता संभाली तो उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म किया, और उस भ्रष्टाचार से जो पैसा बचा, जो पहले कांग्रेस वाले और भाजपा खा जाते थे, सड़कों में खा जाते थे, बिजली के बिल के नाम पर खाते थे, उस पैसे को बचाकर वहां पर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य उन्होंने फ्री किया। नगर निगम के अंदर देखने को मिल रहा है 200-250 करोड़ का भ्रष्टाचार है, जिसके ऊपर अभी आम आदमी पार्टी के सभी क्रांतिकारी साथियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, और उसके अंदर एक सत्य ठेकेदार को अरेस्ट किया। बाकी जो असली मुजरिम है, जो पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद जो संलिप्त हैं, उन्हें अरेस्ट नहीं कर रहे। तो हमारी मांग ये है कि जो नगर निगम का जो घोटाला 200 करोड़ का नहीं है, ये कम से कम 2-2.5-3 हजार करोड़ से भी ज़्यादा का घोटाला है ये। तो हमारी ये मांग है कि जो घोटाला ये कर रहे हैं, इसे सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जाए, वो पैसा निकलवाया जाए, और उस पैसे से जिस तरह दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर सुविधाएं मिल रही हैं, वैसे ही हरियाणा के अंदर भी सुविधा मिले। आज हमारे हरियाणा के सहप्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के निर्देश पर पूरे हरियाणा में युवा साथियों ने बिजली को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किए, क्योंकि आज 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही। जो हमारी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री है, वहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है। जो टैक्स रेवेन्यू करता है, जिससे पूरा हरियाणा चलता है, बच्चों का पेपर आ चुका है, उनकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर एकदम बहुत स्थिति नाजुक हो चुकी है कि घरों में बिजली नहीं आ रही है, बच्चे रात रात भर जगे रहते हैं लाइट कट की वजह से, गर्मी का समय है। तो हमारी हरियाणा सरकार से मांग है कि जो आपके नेता, मंत्री, संतरी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, उस पर ना ध्यान देकर बिजली पर ध्यान दें और बिजली की समस्या का समाधान करें। अभी लगता है कि आपको ये फरीदाबाद जो स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, ये कभी फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बनेगा या नहीं? देखो, ये फरीदाबाद स्मार्ट सिटी केवल कागजों तक सीमित है भाजपा सरकार में। सच्चाई ये है कि इन्होंने फरीदाबाद को क्राइम सिटी बना दिया है। आज जब से आप भाजपा सरकार आई है, कोई दिन भी आप ऐसा नहीं दे सकते। पहले कांग्रेस सरकार थी तो ये हाथ पैर तोड़ते थे, भाजपा सरकार जब से आई तब से रोज गोलियां चलती हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, माताओं बहनों के बलात्कार हो रहे हैं, और रोज आप देखोगे कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चों का दुष्कर्म की खबरें मिलती हैं। ये भाजपा सरकार का जो शासन प्रशासन है, बड़ा ढीला रवैया है। इनके शासन प्रशासन के लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, और ये कहीं ना कहीं राज्य को संभालने में नाकामयाब हुए हैं। जो मनोहर खट्टर जी हैं, ये भ्रष्टाचार के लाल बन चुके हैं, भ्रष्टाचार के जो है सपूत बन चुके हैं, और शासन प्रशासन अब इनसे संबंध नहीं रहा है। तो हमारी मांग है कि भाजपा सरकार जल्द से जल्द जनता जो है निरस्त करे, और इन्हें अब गद्दी यहाँ की छोड़ देनी चाहिए। अब ये गद्दी आम आदमी पार्टी के हवाले कर देनी चाहिए, ताकि आम आदमी पार्टी सत्ता चलाए और पंजाब और दिल्ली की तर्ज पर लोगों को जो जनहित सुविधा है वो यहाँ पर। अगर आम आदमी की पार्टी आती है सरकार, तो क्या क्या मुहैया हो सकता है? हम दिल्ली मॉडल पे चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब के अंदर भी दिल्ली मॉडल पे चुनाव लड़ा। अब पंजाब में भगवंत मान जी जैसे ही बने, आपने देखा होगा कि वहां पर 117 विधायक थे जो कई कई पेंशन ले रहे थे, उन पेंशनों खत्म करके केवल एक पेंशन लागू किया, जिससे जो पैसा बचा उससे बिजली फ्री देने का काम उन्होंने किया। अभी जुलाई से बिजली फ्री हो जाएगी 300 यूनिट, और इसके साथ ही 35,000 जो पहले कच्चे थे, जो बराबर कर्मचारी मांग करते थे कि हमें परमानेंट किया जाए, वो वहां पर हमारे भगवंत मान जी ने उन्हें परमानेंट किया, और 25,000 नौकरियां भी निकाली। ऐसी जो भी योजनाएं हैं, और दिल्ली के अंदर राशन घर घर तक पहुंचाने के लिए जो योजना दिल्ली सरकार ने निकाली थी, उसे जो केंद्र सरकार है उन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि उनको लगा कि केंद्र सरकार नाम हो जाएगा, लेकिन पंजाब के अंदर ये जो योजना ये भी चालू होगी। तो इसी तरह हरियाणा के अंदर भी वो सारी योजनाएं हम लोग पहुँचा। नमस्कार, मैं भारत शर्मा,
हरियाणा प्रदेश दक्षिण का आम आदमी पार्टी प्रवासी प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष हूँ, और हमारे भाई साहब अध्यक्ष जी, हमारे जिला अध्यक्ष उपाध्याय जी, आज हम सब बिजली के मुद्दे पर अपनी समस्या को, फरीदाबाद शहर की समस्या को उठाने में लगे हैं। फरीदाबाद शहर के शहरवासी, दिल्ली से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर हमारा शहर है, दिल्ली में 300 यूनिट फ्री मिलती हैं, तो फरीदाबाद का ऐसा क्या पाप है कि फरीदाबाद को इतनी महंगी बिजली मिल रही है? हमारे फरीदाबाद को क्यों 300 यूनिट बिजली मुफ्त में नहीं मिल सकती? क्यों जो छोटे कर्मचारी हैं उनको, उनके ऊपर बिजली की मार का हथौड़ा चलाया जा रहा है? हमारे जो प्रदेश में प्रदेशवासी हैं, हमारे क्षेत्र में जो मजदूर हैं, गरीब हैं, पिछड़े समाज के व्यक्ति हैं, जो दलित हैं, उनके साथ उनके घरों में पानी पहुंचाने में भी सरकार असफल हो चुकी है। बिजली का मुद्दा, यहाँ पर बिजली की कमी है, रातों रात बिजली नहीं रहती, बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, पेपर आ रहे हैं, लेकिन घरों में बिजली ना होने के कारण बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं। साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो हमारे गरीब मजदूर पिछड़े शोषित वंचित सभी जो हमारे भाई फरीदाबाद के अंदर रहते हैं, हमारे साउथ हरियाणा के अंदर हैं, उनके साथ सरकार अनदेखी कर रही है। 9 में से 8 विधायक बीजेपी के हैं, हरियाणा में बीजेपी है, प्रदेश में बीजेपी और देश में बीजेपी, लेकिन उसके बाद भी यदि फरीदाबाद में कोई समस्या रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई परेशानी है, तो क्या ये जनता का दोष है? नहीं, ये सरकार का दोष है जो कि आम जनता को बहुत ही हल्के में ले रही है। यदि जनता आवाज़ नहीं उठा रही है तो उसका और शोषण कर रही है। हम सभी को आगे आना होगा, मैं केवल पार्टी के वजह से ही नहीं, जो आम जीवन के मुद्दे हैं, बिजली पानी सड़क, आप देखेंगे फरीदाबाद के अंदर सड़कों के अंदर गड्ढे हैं या गड्ढों के अंदर सड़कें बनी हुई है, किसी को मालूम नहीं है। इतनी खराब सड़क की हालत हो चुकी है फरीदाबाद के अंदर, बहुत ही ज़्यादा खराब। यहाँ पे पेट्रोल की कीमत इतनी है, डीजल की कीमत इतनी है, जो 10 से 12 हज़ार रुपये कमाने वाले व्यक्ति हैं, छोटे परिवार हैं, उनका जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं चाहता हूँ सरकार इसका संज्ञान ले और अपनी जो गलत नीतियाँ हैं उनको वापस ले, अन्यथा आम आदमी जिस दिन सड़क पर उतरा उस दिन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे अच्छे दिन आएंगे और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर ये नारा लगा रहे हैं, तो अभी तक ये कहना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी अभी मुद्दा उठा नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी सरकार को पिछली बार पूरे देश में भरोसा किया था, लेकिन जिस प्रकार से भरोसे को दुरुपयोग मोदी सरकार ने किया है, जिस प्रकार से आँख में धूल मोदी सरकार ने झोंकी है, जिस प्रकार से आम आदमी का शोषण जितना मोदी सरकार में हुआ है इतना कभी नहीं हुआ है। बच्चों के लिए शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, आज जो आदमी अपनी रोज की मेहनत मजदूरी करता है उसका केवल एक ही रास्ता होता है कि अगर मेरे बच्चे पढ़ जाएं तो मेरा भविष्य सफल हो जाएगा, मेरे जीवन जीने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। परंतु आज के ज़माने में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में आधी रोटी खाकर उसको जीना पड़ता है। बाद में सरकारी स्कूल काफ़ी, आप किसी भी एक सरकारी स्कूल में आप कभी गए हैं बता दीजिए कि इस गर्मी में जो छोटे बच्चे हैं पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा ऐसा स्कूल है कि उसमें वाटर कूलर लगा या ठंडा पानी का व्यवस्था है? नमस्कार, मैं जितेंद्र उपाध्याय, प्रवासी सेल का जिला अध्यक्ष। जैसा कि आपने पूछा कि कौन से सरकारी स्कूल में वाटर कूलर लगा हुआ है, आप वाटर कूलर की बात छोड़िए, वहाँ पे सीलिंग फैन तक नहीं है और पेड़ के नीचे बैठने के अलावा बच्चों के पास में कोई चारा नहीं है कि वो पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई के लिए अगर 150 बच्चे आ भी जाते हैं तो स्कूल के जो मास्टर हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं, वो मौके पे मौजूद नहीं रहते हैं और अपनी तनख्वाह में से किसी दूसरे को तनख्वाह देके एज ए ट्यूशन की बतौर उन बच्चों को दूसरा आदमी आके पढ़ाता है।
और सैलरी के नाम पे ये लोग अपनी पूरी तनख्वाहें उठाते हैं। और पढ़ाई के लिए तो आप जाके देखिए इस समय किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आप और स्कूल में कि इस समय जितनी दुर्दशा इस समय सरकारी स्कूलों की है इतनी ज़्यादा दुर्दशा किसी राज्य में स्कूलों की नहीं है। आप दिल्ली में जाके देखिए सरकारी स्कूल आज की डेट में किस हिसाब से प्राइवेट को टक्कर दे के चल रहे हैं। और जो दिल्ली की जो व्यवस्था है स्कूलों की अगर इस तरीके से हरियाणा में हो जाए तो इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। और ये व्यवस्था जब भी बन सकती है जब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और बहुमत से आएगी। क्या आम फरीदाबाद में को स्मार्ट सिटी के नाम पे जाना जाता है, क्या हकीकत है स्मार्ट सिटी बीजेपी सरकार में? स्मार्ट सिटी का नाम तो दे दिया है लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे हमारे यहाँ पे आप आके देखिए कि रोडों की क्या दुर्दशा है। आप सेक्टर 9 में 10 में 11 में डबुआ में संजय कॉलोनी में पाली में भाखरी में बटखल में आप किसी भी एरिया में जाके देखिए कि आज की डेट में रोडों की क्या दुर्दशा है। और कागजों में सारी रोडें कंप्लीट हो चुकी हैं और म्यूनसिपालिटी वाले आते हैं फिर उसे खोद के टूटी हुई रोडों को खोद के जाते हैं फिर दोबारा उसका टेंडर निकलता है और उन रोडों के ऊपर दोबारा से फंडिंग आती है। और ये लोग सिर्फ कागजों में बना रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं। जमीनी स्तर पे हमारे फरीदाबाद जिला में कोई भी रोड आज की डेट में अच्छे कंडीशन में नहीं। नमस्कार, अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। मैं अमरिंदर सिंह सृष्टि टीवी से, धन्यवाद। बिजली का पूछो मेरे से, अभी वो बिजली का हो गया ना, आप मेडिकल का पूछो मेरे से, मैं बता रहा हूँ ना आपको। लंबा वीडियो हो जाएगा, छोटा छोटी छोटी बता लो ना।